पुलिस आधुनिकीकरण के लिए हाई पावर कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के उद्योगों को लौह अयस्क रियायती दर पर उपलब्ध कराने का किया आग्रह। प्रदेश के 4 बहादुर बच्चों को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी सम्मानित। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज मना रहा है स्थापना दिवस। भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। पुलिस के आधुनिकीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज राजधानी रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम और नागालैंड के पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हुए। रायपुर में पहली बार हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस के आधुनिकीकरण के अलावा राज्यों के बीच आपसी समन्वय और माओवादी विरोधी अभियान को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुलिस के आधुनिकीकरण पर राज्यों से विचार विमर्श कर सुझाव मांगे गए। बैठक में विभिन्न राज्यों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार, तकनीकी उपकरण और विशेष सॉफ्टवेयर के संबंध में अपने प्रस्ताव रखे। राज्यों के पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच के लिए अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब रिकवरी और एनालिसिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की जो भी आवश्यकताएं होंगी उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बैठक में कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण से प्रकरणों की जांच शीघ्र होती है और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलता है। बैठक में आगामी 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए एजेंडे भी तय किए गए। परिषद की प्रस्तावित बैठक में छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एनएमडीसी की खदानों से लौह अयस्क रियायती दर पर सुगमता से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री से इस वर्ष एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क के मूल्य में की गई वृद्धि वापस लेने और उचित दीर्घकालिक रियायती दर निर्धारित करने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि पिछले 16 दिनों के भीतर लौह अयस्क के बेसिक मूल्य में प्रति टन 700 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके कारण उत्पादित इस्पात के मूल्य में भी 2000 रुपए प्रति टन की वृद्धि हो रही है। उन्होंने लिखा है कि लौह अयस्क की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद एनएमडीसी की खदानों से लौह अयस्क प्राप्त करने और प्रदेश के उद्योगों के संचालन में कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही इस्पात उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि विश्व स्तर के लौह अयस्क दंतेवाड़ा जिले में है, जहां एनएमडीसी की 5 व्यवसायिक खदानें संचालित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित कोयला खदानों से निकाले गए कोयले की करीब 4,140 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लेवी की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रदेश में संचालित कोल ब्लॉक से निकाले जाने वाले कोयले की अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि राज्य सरकार को देय होगी। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ से 8 कोल आवंटियों द्वारा 295 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से अतिरिक्त लेवी की राशि भारत सरकार के कोल मंत्रालय के पास जमा की गई है।
मुख्यमंत्री ने जमा की गई राशि छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध कराने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए प्रदेश के 4 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों को राज्यपाल अनुसुईया उइके आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित करेंगी। पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में संबलपुर धमतरी की कुमारी अंशिका साहू, बंजारी रोड रायपुर की कुमारी अनन्या चौहान, बरौंडा राजिम के राहुल पटेल और भटली रायगढ़ के प्रमोद बारिक शामिल हैं। वीरता पुरस्कार के लिए चयनित इन बच्चों को आज रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र निगम ने बताया कि वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों को पुरस्कार के साथ ही शिक्षण के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। 26 जनवरी को गवर्नर के माध्यम से दिया जाना है और ये प्रदेश के गरियाबंद, राजिम, धमतरी और रायपुर रायगढ़ के बच्चे हैं और 2 बच्चे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए दिल्ली गए हुए हैं और इन बच्चों को वीरता पुरस्कार के पश्चात परिषद के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भी छत्तीसगढ़ से 2 बालिकाओं का चयन किया गया है। इनमें मोहनपुर धौरापारा सरगुजा की कुमारी कांति कंवर और कानीडबरी धमतरी की भामेश्वरी निर्मलकर शामिल हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सेल के सभी इस्पात संयंत्रों में मैराथन दौड़, पौधरोपण, दीर्घकालिक अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार स्थापना दिवस को रन फॉर गर्ल चाइल्ड थीम से जोड़ा गया है। हर साल 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र में भी दौड़, पौधरोपण और दीर्घकालिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रन फॉर गर्ल चाइल्ड थीम पर आयोजित 5 किलोमीटर पैदल चाल और दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयंत्र परिसर में पौधरोपण भी किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि सेल के स्थापना दिवस पर बेटी बचाओ थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संयंत्र परिसर में आने वाले दिनों में 18,000 से 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। जो हम एक और संविधान के 70वें बनने का जो 70वां वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक थीम लॉन्च किया है सेल में। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है कि सर्विस। इसका जो अर्थ है कि हम अपने आप को, जैसे हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, इसके कुछ हमारे राइट्स हैं, राइट्स के साथ हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ भी हैं और उन ड्यूटीज़ को हम निभाएं और ड्यूटीज़ में हमारे लिए हम समाज को कैसे उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए हम कैसा अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। केवल इसमें जो है कि केवल पैसा या कुछ फैसिलिटी दे के ही समाज के साथ, समाज का सेवा नहीं करना है, अपने आप को भी समर्पण करना है, यही थीम है। और इस थीम में हम लोग जो भिलाई में लिए हैं कि गर्ल चाइल्ड की बेटी बचाओ का जो एक मुहिम छेड़े हैं और इसमें आज उसके ऊपर जोर दिया गया है। इसके अलावे हम वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा एक मुहिम लिए हैं जिसमें 18,000 से 20,000 वृक्ष इस हफ्ता लगाया जाएगा। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 1,174 अधिकारियों और कर्मचारियों को दीर्घकालिक सेवा के लिए सम्मानित किया। कोरबा में जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री और उनके सहयोगियों ने जिले के विभिन्न दूरस्थ अंचलों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर नवपाषाण कालीन 369 शैल चित्रों के मिलने का दावा किया है। तलवारधारी घुड़सवार, अश्व, हिरण, मयूर, मुर्गी से लेकर शेरों वाली हाथ जोड़ी और अन्य ज्यामितीय चिन्हों के शैल चित्र कोरबा जिले की पहाड़ियों पर खोजे गए हैं। पुरातन काल से ही आदि मानवों के इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहवास की पुष्टि भी इन शैल चित्रों से हो रही है। जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री ने बताया कि जिले में मिले ये सभी शैल चित्र ईसा पूर्व 2,500 साल से 10,000 साल पुराने माने जा रहे हैं।
उन शैलचित्रों में घोड़े हैं, हिरण हैं, मानव है, अश्वरोही है जो खड़गधारे किए हुए हैं, मयूर है, मुर्गी का शैलचित्र मिला है और उसके अलावा कांटे का है। और उसके साथ में सबसे बड़ी खासियत उसकी यह थी कि वहाँ पे लाल रंग के भी शैलचित्र मिले हैं और सफ़ेद रंग के भी शैलचित्र मिले हैं, और उस सफ़ेद रंग के ऊपर भी लाल रंग मिले हैं और लाल रंग के ऊपर भी सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं। ये बताते हैं कि वहाँ पर आदि मानव की जो शरण स्थली रही है बहुत लंबे समय तक रही है और समय समय पर वहाँ पर एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी अनवरत रही है। और साथ में हम जब इनकी प्रागैतिहासिकता पर देखेंगे तो इसकी प्राचीनता को देखेंगे तो यहाँ के जो शैलचित्र हैं लगभग ईसापूर्व 2500 से लेकर के 10000 साल पुराने हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। कोरबा जिले के गोलहर और सोनारी गांव में मिले इन शैलचित्रों के अध्ययन से कई और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होने की संभावना है। जशपुर जिले के सभी स्कूलों में प्राथमिक उपचार की दवाएं और सामग्री रखने के लिए रेड क्रॉस कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। कलेक्टर नीलेश शीर सागर ने प्राथमिक शाला भागलपुर में इस नवाचार रेड क्रॉस कॉर्नर लगाए जाने की शुरुआत की। कलेक्टर ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल जशपुर विकास खंड के 60 स्कूलों में इसे लगा दिया गया है। आने वाले दिनों में जिले के सभी स्कूलों में रेड क्रॉस कॉर्नर लगा दिए जाएंगे। पायलट के रूप में हमने अभी सभी स्कूल्स में रेड क्रॉस कॉर्नर स्थापित कर रहे हैं। इसमें अभी 60 जो स्कूल है उसमें रेड क्रॉस कॉर्नर स्थापित हुआ है। 248 हमारे पूरे जशपुर ब्लॉक में स्कूल्स है, उसी सभी स्कूल्स में हम उसको स्थापित कर देंगे। इसमें जो आवश्यक दवाई है उसमें को रखा गया है और जब भी अगर बच्चों को कुछ ज़रूरत होती है तो वो दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में पूरे जिले के सभी स्कूलों में इस तरह रेड क्रॉस कॉर्नर स्थापित कर देंगे। नवाचार के तहत इस लकड़ी की संरचना रेड क्रॉस की बनाई गई है, जिसमें डिटॉल, कॉटन पट्टी, ओआरएस, मलहम, पैरासिटामोल टैबलेट्स आदि प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे प्लास्टिक कचरे का उपयोग अब ईंट और पेवर ब्लॉक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये पहल धमतरी नगर निगम प्रशासन ने की है। घरों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को रेत और सीमेंट में मिलाकर एक लेप बनाया जाता है और उसे सांचे में डालकर ईंट तैयार की जाती है। नगर निगम आयुक्त आशीष टिकरिहा ने बताया कि प्लास्टिक कचरे से बनाए गए पेवर ब्लॉक का उपयोग चौक चौराहों में लगाने के लिए किया जा रहा है। पेवर ब्लॉक्स जो बनाए जा रहे हैं, सीएनडी वेस्ट जो इस शहर में यहीं कहीं पड़े रहते हैं उससे एक गंदगी होती थी, धूल भी होती थी, उससे हम लोग अभी पेवर ब्लॉक का निर्माण कर रहे हैं। और उन पेवर ब्लॉक्स को जो यहाँ के चौक चौराहे हैं या जो सड़क के किनारे जहाँ पे धूल डस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे उन पेवर ब्लॉक्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि गंदगी में कमी हो, धूल कम उड़े, इस तरीके से शहर का सौंदर्यीकरण भी उस पेवर ब्लॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। क्लीन सिटी के जिला समन्वयक शशांक मिश्रा ने प्लास्टिक कचरे से पेवर ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। कचरे में जो पॉलीथीन आता है उसको यहाँ इकट्ठा किया जाता है, फिर इस क्रशिंग यूनिट से इसको बारीक काट के हम लोग इसको जो घर से निकलने वाले मलबा है सीएनडी वेस्ट उसको क्रश करके उसमें जीरा गिट्टी, सीमेंट और पॉलीथीन को मिला के पेवर ब्लॉक बनाया जाता है। उस पेवर ब्लॉक को शहर में सभी जगहों पे अभी जहाँ पे भी जीवीपी पॉइंट है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग पेवर ब्लॉक बनाने में किए जाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शहर को स्वच्छ बनाए रखने में भी काफी मदद मिल रही है। कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक दुकारू राम मंडावी ने केरल में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री मंडावी ने अपने कोच सूर्या राव के साथ कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री मंडावी ने बताया कि 10,000 और 5,000 मीटर दौड़ में पहला स्थान और 1,500 मीटर दौड़ में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केरल के कोचिकोड में जाके 10,000 मीटर, 5,000 मीटर में मेरा प्रथम पोजीशन रहा और 1500 में द्वितीय पोजीशन। केरल के कोझिकोड में 10 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए हाई पावर कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के उद्योगों को लौह अयस्क रियायती दर पर उपलब्ध कराने का किया आग्रह। प्रदेश के 4 बहादुर बच्चों को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी सम्मानित। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज मना रहा है स्थापना दिवस। भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।